दारू की मनमानी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश पे आओ, सड़क प्रबंधक होश पे आओ, सड़क प्रबंधक होश पे आओ। इस केडी फ्लैट मेन रोड पे माननीय जी को टाटा प्रबंधकों ने एक बंगला मुहैया कराया। ये तो जांच की विषय है, क्यों मुहैया कराया, अपने बंगलों कर दे आप। मैं कहता हूं कि आप टाटा कंपनी उनका नाम लिख दे, शेयर उनके नाम पे ले, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। दोनों रास्ता को रातों रात बाउंड्री लगाकर, ग्रिल लगाकर आप बंद कर देते हैं। हमने उपायुक्त को शिकायत हमने किया, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने शिकायत किया, जांच का आदेश बना। दूसरे दिन मेरे और मेरे छोटे बच्चे 4 वर्ष के ऊपर उनका हमला हो जाता है, हमें घेर के मारने की कोशिश किया जाता है, जान मारने की नियत से। जिला प्रशासन को मैं लिख के देता हूँ, घटना 25 तारीख को हो गया, आज महीने का आप देख लीजिए 13 तारीख हो गया, ना CCTV का जांच हुआ, ना उस आरोपियों का अब तक गिरफ्तारी हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, आप गिरफ्तारी मत करिए, जांच मत करिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जमशेदपुर के लिए, अमन चंद के लिए 100 बार मरने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे पीछे कोई फोर्स नहीं है, मैं आज भी अकेले घूमता हूँ। आप कुछ भी कर ले, कितना भी दबदबा कर ले, अगर मेरे मौत से, मेरे खून से अगर जमशेदपुर के आम जनमानस को लाभ मिलता है, गरीब गुजरा को जड़ने से अगर बच जाता है, मैं 100 बार अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं, ना टाटा कंपनी से है, ना कोई जनप्रतिनिधि के लोगों से है। आप जितना जोर जुलूम कर लो, हम लोग सच्चाई के लिए बोलते रहेंगे, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। क्या मांग कर रहे हैं और आगे के बड़े लोग हैं, उन लोगों के दिशा निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच में जयप्रकाश जी के आंदोलन पे, संपूर्ण क्रांति के नारा लगा उनके आंदोलन पे कदम से कदम मिलाने वाले JP मूवमेंट के लोग हैं, वरिष्ठ बन गए हैं, पूर्व छात्र नेता है, गांधीवादी नेता है, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हैं, महिला वर्ग के लोग हैं, जमशेदपुर के तमाम जो दल है, सारे दल के लोग हम लोग के साथ में हैं। हम लोग बृहद रणनीति बना रहे हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में, अन्याय अत्याचार के विरोध में हम लोग रोड पे उतरेंगे। अगर जिला प्रशासन तुरंत जांच कर कार्रवाई नहीं करता है, संज्ञान नहीं लेता है, तो हम लोग बृहद आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। आपका परिचय? मैं संजीव आचार्य, संयोजक सर्वदलीय जन एकता मंच। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।